हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 11th चैप्टर आभाळातल्या पाऊलवाटा। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है ये। इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के एंड में आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आभाळातल्या पाऊलवाटा। नैसर्गिक साधन संपत्ति ने समृद्ध असलेल्या भारतात प्राणी पक्षी यांमधील वैविध्य ही थक्क करणारे आहे। अब नैसर्गिक साधन संपत्ति ने मतलब नेचुरल जो वेल्थ है हमारे इंडिया में, हम उसके अंदर नेचुरल वेल्थ में हमारे एनिमल लाइफ भी इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स ये लाइफ भी इंक्लूड होते हैं। और इन बर्ड्स एंड एनिमल्स में भी जो विविधताएं हैं, मतलब जो डिफरेंसेस है, वो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारा नेचुरल वेल्थ है और सभी अलग अलग टाइप के नेचुरल वेल्थ आपको मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं उनमें भी हमें कई सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। अब बर्ड्स हमें सब बर्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं, खाली कलर अलग हो जाते हैं, बट नहीं, बर्ड्स में भी काफ़ी डिफरेंसेज है। इवन उनके एक्शंस जो होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। भारतात पक्ष्यांच्या 1244 जाती आहेत, मतलब इंडिया में ही करीब करीब बर्ड्स के 1246 स्पीसीज है अलग अलग। पक्ष्यांच्या दुनियेतला अनेक आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पक्ष्यांचे स्थलांतर होय। और जितने भी दुनिया में जितने भी बर्ड्स है उन सभी में एक आश्चर्यजनक बात हमें ये पता चलती है, कॉमन सभी बर्ड्स में एक कॉमन आश्चर्यजनक बात हमें पता चलती है पूरे वर्ल्ड के बर्ड्स में, वो ये कि पक्षी जो है स्थलांतर क्यों करते हैं। स्थलांतर मतलब चेंज ऑफ प्लेस, वो एक जिस जगह पे रहते हैं वो वहाँ से मीलों लंबे उड़कर जाते हैं और दूसरे जगह पे जाते हैं थोड़े समय के लिए और फिर वापस से उड़कर आ जाते हैं अपने पहले वाली जगह पे। तो स्थलांतर चेंज ऑफ प्लेस क्यों करते हैं, पक्षी स्थलांतर का मतलब क्यों करते हैं, कुठून व कधी करतात, कहाँ से करते हैं स्थलांतर और कब करते हैं, याचे विवेचन प्रस्तुत पाठात आले आहे। इन सभी का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ आपली सृष्टि आपले धन या पुस्तकातून घेतला आहे और ये जो लेसन है ये एक बुक है नेम्ड आपली सृष्टि आपले धन, मतलब हमारा लिविंग वर्ल्ड हमारा वेल्थ, आवर लिविंग वर्ल्ड आवर वेल्थ, ये नाम की जो इंग्लिश में मैंने आपको ट्रांसलेट किया एक्चुअली है यही नाम आपली सृष्टि आपले धन। इस बुक से ये पाठ लिया गया है चैप्टर का। और ये जो चैप्टर का नाम है आभाळातल्या पाऊलवाटा, इसका मतलब होता है एयरवे। जैसे हम रोडवे होता है, रेलवे होता है, वैसे एयरवे। आभाळ, आभाळ मीन्स स्काई, तो स्काई में से जो ट्रेवल करते हैं, पाऊलवाटा मीन्स रास्ता। तो अभी आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। पक्षियांच्या दुनियेतला अनेक गोष्टी आश्चर्यजनक आहेत, मतलब दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनमें भी हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलती है उनकी, पण त्यातही सर्वात स्तिमित करणारे काही असेल तर अनेक पक्षी जाती वर्षातून दोनदा करत असलेला हजारो मैलांचा प्रवास। मतलब पक्षियों की बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें आश्चर्यचकित करती है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा दैट इज पण त्यातही सर्वात स्तिमित करणारे, मतलब उन सभी बातों में से भी सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले काही असेल तर, तो कुछ ऐसी बातें जो हमें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है तो वो होगी कि अनेक पक्षी जाती वर्षातून दोनदा, मतलब अनेक पक्षी के जाति डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स साल में दो बार वर्षातून दोनदा करत असलेला हजारो मैलांचा प्रवास, जो हजारों मैल हजारों मील जो उड़कर जाते हैं ये ट्रैवल, ये एक आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए कि ये जो पक्षी है पर्टिकुलर बर्ड्स जो है ये साल में दो बार हजारों मील उड़कर जाते हैं दूसरे जगह पे और फिर वापस से रिटर्न आते हैं हजारों मील उड़कर। भारतातल्या कोणत्याही सरोवराकडे हिवाळ्याच्या सुरुवातीला नजर टाकली तर निरनिराळ्या जातींच्या बदकांची पाणी अक्षरशः झाकलेले दिसते। अब भारत में इंडिया में अगर हम हिवाळ्याच्या सुरुवातीला, हिवाळ्याच्या मतलब टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन दैट मीन्स ऑक्टोबर नोव्हेंबर,
शुरुआत में अगर हम नजर दौड़ाएंगे, नजर टाकली तर निरनिराळ्या जातींच्या बदकांनी मतलब अलग अलग टाइप्स के जो डक्स है, बदक डक्स अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज के जो डक्स है उनसे जैसे मानो पानी जो है रिवर का पानी जो है अक्षरशः झाकलेले दिसते। अक्षरशः मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे वो बर्ड्स की चादर ही बिछी हुई है उस पानी पर। हे पक्षी महीना दोन महीनपूर्वी तर इथे नव्हते, लेकिन ये जो बर्ड्स है महीने दो महीने पहले तो यहाँ नहीं थे। एकदम हजारोंच्या संख्येने ये आले कुठून, और हजारों की संख्या में इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ये आए कहाँ से, आले कुठून, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। युरोप आणि उत्तर आशियातून हजारो मैलांचा प्रवास करून बदकेच नव्हे तर इतरही असंख्य जातींचे पक्षी नियमितपणे हिवाळ्याच्या आरंभी येऊ लागतात। तो अभी देखो यहाँ पे युरोप बोला है, युरोप आणि उत्तर आशियातून, युरोप एक कॉन्टिनेंट है और उत्तर आशिया यानी कि नॉर्थ एशिया, वहां से यानी दोनों कॉन्टिनेंट है, एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है। सो यूरोप आणि उत्तर आशियातून मतलब इन दोनों ही जगहों से हजारों मील ट्रैवल करके बदक ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है वो भी रेगुलरली नियमितपणे यानी रेगुलरली विंटर सीजन के शुरुआत में आने लगते हैं भारत में। अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो है, डक ही नहीं बल्कि और दूसरे जैसे क्रेन्स भी है और भी क्रोज है, वो सब आने लगते हैं यहाँ पे। भारतात येणारे श्वेत बलाक जर्मनीतून येतात तर बदकांच्या काही जाती सायबेरियातून। अब श्वेत बलाक मतलब स्टॉर्क, जिसकी चोंच लंबी होती है। तो भारत में जो आने वाले स्टॉर्क है वो जर्मनी से आते हैं और बदक जो है वो साइबेरिया से आते हैं। डक्स, बदक यानी डक्स, वो साइबेरिया से आते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि श्वेत बलाक कहाँ से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, और बदक कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। बलाकांच्या स्थलांतराविषयी कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। अभी जो बलाक है, स्टॉर्क बर्ड्स जो है उनके माइग्रेशन के बारे में, माइग्रेशन मतलब दैट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये जो स्टॉर्क पक्षी जो आते हैं जर्मनी से यहाँ पे, उसके बारे में कालिदास ने अपने लिटरेचर में उनका मेंशन किया है। उल्लेख आढ़लतात मतलब कालिदास के स्क्रिप्चर्स में, उनके बुक्स में इनके बारे में लिखा गया। हंस पक्षी सुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाहीत। अब हंस जो बर्ड है एकदम व्हाइट कलर के जो होते हैं, ये भी हमें बारिश के दिनों में दिखते नहीं है। तो डेफिनेटली अशी वर्णने प्राचीन वाङ्मयात आहेत, और ये जो डिस्क्रिप्शन है कि हंस पक्षी बारिश के दिनों में दिखते नहीं है, तो ये एक लिखा गया है हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में। मात्र या काळात हे पक्षी नक्की कुठे जातात याची मात्र माहिती दिसत नाही, लेकिन इसी टाइम के दौरान जब बारिश के दिनों में यहाँ नहीं दिखाई देते हैं तो ये कहाँ जाते हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। याच्या उलट युरोप मध्ये अनेक पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात याची जाणीव होती। और इसके उल्टे यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में भी ठंडी के सीजन में बहुत सारे पक्षी जो है वहां से गायब हो जाते हैं, यूरोप से वो दिखाई नहीं देते हैं वहां पे यूरोप में। ये भी हमें पता चला है कुछ स्क्रिप्चर्स के थ्रू, कुछ राइटिंग्स जो है एंशियंट राइटिंग्स उनके थ्रू, पण ते नक्की काय करतात ये कुणालाच माहित नव्हते। लेकिन ये जो बर्ड्स जो दिखते नहीं है वो नक्की क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अनेकांशीय समजुतीप्रमाणे बर्फ पडू लागण्यापूर्वी हे पक्षी बेडूक, खवले करी अथवा काही सस्तन प्राण्यांप्रमाणे चिखलात अथवा कपारीत गाडून घेऊन प्रादीर्घ हिवाळी झोप काढत असलेले पाहिजेत। अभी बहुत लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि क्योंकि बर्फ पड़ने लग जाती है तो इसीलिए बर्फ पड़ने से, बर्फ गिरने से पहले ही ये जो बर्ड्स है जैसे कि बेडूक, बेडूक यानी फ्रॉग बोल सकते हो, खवले करी यानी कि एक टाइप की फिश हो गई, अथवा काही सस्तन प्राण्यामध्ये, सस्तन मतलब मैमल्स जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, तो उन वो जो एनिमल्स होते हैं वो मे भी अपने आप को किसी मड में चिखलात यानी मड में अथवा कपारित गाड़ून, कपारित, कपारी मतलब दो स्टोन के बीच की जगह, गाड़ून घेऊन प्राधीर्घ हिवाळी झोप काढत असले पाहिजेत। मतलब वो अपने आप को इस तरह से या तो मड में छुपा लेते हैं जमीन के नीचे, या तो फिर दो पत्थरों के बीच में अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और लंबी स्लीप लेते हैं, यानी कि पूरा विंटर सीजन जो बोलते हैं दे स्लीप, वो ऐसा सो जाते हैं, ऐसे माना जाता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मे बी ये बर्ड्स अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं
विंटर सीजन के शुरू होने से पहले, बर्फ गिरने के पहले, तो मे बी ये लोग लंबे समय के लिए सो गए हैं, ऐसा लोगों का समझ है। पुढे माणूस एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करू लागला तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी त्याच ऋतूत दुसऱ्या खंडात दिसून येते। लेकिन आगे जब लेटर इयर्स में आगे जब इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने लगे, यानी कि एक खंडातून दूसरा खंडात, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जब ट्रैवल करने लगे, प्रवास करू लागले, तब उनके ध्यान में आया कि हमारे कॉन्टिनेंट से जो गायब हो जाते थे बर्ड्स, वो उसी ऋतु में यानी कि उसी सीजन में दूसरे कॉन्टिनेंट में दिखाई देते थे। यानी कि मे बी सीजनल चेंज की वजह से ये बर्ड्स जो है अपना प्लेस चेंज करते हैं, माइग्रेट होते हैं। पक्षियांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही, पण अवघडातल्या अवघड प्रश्नातून विज्ञानाला मार्ग काढावा लागतो। अब ये जो बर्ड्स का माइग्रेशन है, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे उड़ के जाना, इसको स्टडी करना ये कोई बहुत इजी बात नहीं है, इजी काम नहीं है। लेकिन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल भी है, उसमें से भी साइंस ने रास्ता निकाला है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन, क्वेश्चन, कुछ भी हो, साइंस ने हमेशा उसमें से रास्ता निकाला है उसे समझने के लिए। पक्षियांच्या स्थलांतराचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्टसाध्य उपाय गेल्या शतकापासून वापरला जात आहे। अब पक्षियों के स्थलांतर के पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो रीजन ढूंढने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पेनफुल एक सॉल्यूशन किया जा रहा है पिछले 100 सालों से, शतक मतलब 100 ईयर्स। तो वो तब से ऐसा वे तरीका जो है यूज किया जा रहा है पिछले 100 सालों से, उनका स्थलांतर का क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है वो पता करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, एखाद्या विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात खुणेचे वाळे अडकवून द्यायचे। तब इसके अंदर क्या है कि एखाद्या विशिष्ट भागात, मतलब एक पर्टिकुलर कोई एरिया में बहुत सारे पक्षी जो है वो पकड़ते हैं, और उनके पैरों पर एक ऐसा सिंबल के लिए एक कुछ पत्रा जैसा, एल्यूमिनियम का पत्रा जैसा वो अटका देते हैं। वाड़े, वाड़े मतलब रिंग, खुणेचे वाड़े, वाड़े यानी कि रिंग जिसके ऊपर सिंबल रहता है उस इंस्टीट्यूशन का जो ये रिंग पहनाती है बर्ड्स के पैरों पे। अल्यूमिनियम चे बनवलेले हे वाड़े हल्के असतात, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के रिंग्स होते हैं तो बहुत ही हल्के होते हैं ये, मतलब पक्षियों को बिल्कुल जोर नहीं आता है वो पहनकर उड़ने में। त्याचे पक्षियांना ओझे होत नाही, मतलब उनको बिल्कुल भी लोड नहीं होता है उस रिंग का उनके पैरों पे या वाळ्यावर। और इस रिंग पर देखो क्या लिखा होता है, ज्या संशोधन संस्थेने ते लावले, मतलब जिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाळे लगाए हैं इस बर्ड्स के पैर पे, त्या संस्थेचे नाव, तो वो लोग अपना संस्था का नाव, इंस्टीट्यूशन का नाम आणि खुणेचा क्रमांक असतो, और एक उनको एक नंबर दिया जाता है। जैसे हम लोगों, आप लोगों को बच्चों को स्कूल में रोल नंबर्स मिलते हैं, यूडाइस आईडी मिलता है, वैसे ही इन बर्ड्स को भी एक, हर एक जो रिंग होती है उस पर हर एक नंबर होता है। तो पता चलता है कि इस नंबर का बर्ड जब यहाँ था, अब वो उड़कर इस नंबर का बर्ड कहाँ गया है, कोणत्या क्रमांकाचे वाळे कोणत्या पक्षियाला कुठे आणि केव्हा लावले याची संस्थेकडे नोंद असते। तो मतलब कौन से नंबर का रिंग कौन से पक्षी को कहाँ पर लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था, कब लगाया गया था, ये जो है नोट किया रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में। ऐसे बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इस पर काम कर रहे थे, और सभी अपने अपने नाम के रिंग्स जो है इन बर्ड्स के पैरों पे लगा रहे थे, ताकि ये बर्ड्स जहाँ कहीं भी उड़ के जाए और किसी दूसरे इंसान को वो मिले तो वो उस रिंग को देख कर समझ जाए कि ये बर्ड उसका है, और नंबर भी दिया रहता है उस रिंग पे इंस्टीट्यूशन का, तो वो इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बर्ड हमें यहाँ मिला है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, बर्ड के ऊपर अगर रिंग है तो ये ऐसा समझा जाता है कि ये हमें इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना है। अब यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, वाळे अडकवलेले हे पक्षी पुनः मोकळे सोडले जातात, मतलब जैसे ये रिंग्स लगा देते हैं उनके पैरों पर, ये उनको वापस से ओपन छोड़ दिया जाता है। एखादा वाळे असलेला पक्षी जिवंत अथवा मृत ज्याला सापडेल त्याने त्या संस्थेला कळवावे अशी अपेक्षा असते। तो लोग ऐसे मानते हैं कि जिसको भी ये पक्षी, जिसके पैरों में ये वाड़ा है, रिंग है, जिसको भी ये पक्षी मिलता है जिंदा या मुर्दा, जैसा भी सिचुएशन में मिला है,
वो उस पक्षी का इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को दे, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सभी बर्ड्स की, अर्थात लावलेल्या सर्व वाळ्यांची माहिती परत मिळतेच असे नाही। मतलब जितने भी हमने वाळे लगाए हैं, रिंग्स लगाए हैं बर्ड्स के, सबकी इन्फॉर्मेशन मिले वैसा नहीं। लेकिन अगर 100 में से 2 रिंग्स की भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो वो भी हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकती है ना। परंतु 100 एक दोन वाळ्याचा, मतलब 100 में से भी अगर 1-2 रिंग्स का भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है। केरळात वाळे लावलेले परीट पक्षी काबूल, अफगाणिस्तान, वायव्य पाकिस्तान या भागात सापडले आहेत। अभी केरळात, केरळ मतलब जो इंडिया में साउथ में एक स्टेट है उसका नाम है केरळ। तो केरळ में जो पक्षी जिन पर वाळे लगाए गए थे, परीट पक्षी जंगल में रहने वाले, वो जो पाए गए थे काबुल, अफगानिस्तान, वायव्य पाकिस्तान इन भागों में। यानी केरल से उड़कर पक्षी जो है काबुल, अफगानिस्तान, वायव्य पाकिस्तान, वायव्य पाकिस्तान मतलब नॉर्थ ईस्ट, वायव्य इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ इन जगहों पर पाए गए हैं केरल में रहने वाला पक्षी। केरला तक से एक रानपीट फॉरेस्ट वैगटेल ब्रह्म देशात सापड़ला है। और केरल का ही एक रानपीट, ये एक बर्ड का नाम है रानपीट, फॉरेस्ट वैगटेल उसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है बर्ड ब्रह्म देशात सापड़ला गेला। ब्रह्म देशात मतलब म्यांमार, म्यांमार एक इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर से लग के जो कंट्री है वहां पर, म्यांमार। जर्मनी द्वारे लावलेला बलाक बीकानेर मध्ये सापड़ला है। और जिन बर्ड्स को जर्मनी में ये रिंग्स लगाए गए हैं वो बर्ड्स जो है बीकानेर, जो कि राजस्थान की एक सिटी है, राजस्थान स्टेट की एक सिटी है, वहां पर पाए गए हैं। अलीकडच्या काळात विमाने आणि रडार यंत्रेमुळे सुद्धा पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी मोलाची माहिती मिळाली आहे। अब अलीकडच्या काळात मीन्स प्रेझेंट एरा, टुडेज एरा हम बोल सकते हैं। विमाने मतलब एरोप्लेन और रडार यंत्रे, रडार यंत्रे मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक अपैरेटस ऐसे बनाए गए रहते हैं, ऐसे सिस्टम कुछ इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि उनमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और जिससे हमें डायरेक्शन पता चलता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का हो, शिप्स का हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, तो हमें डायरेक्शन पता चलता है, सिग्नल पता चलता है वो चीज कहाँ पर है, उसे कहते हैं रडार यंत्र। ये साइंटिफिकली डेवलप्ड अपैरेटस है। तो आज के टाइम पे ये जो एरोप्लेन्स है और रडार यंत्र है, इनसे भी हमें बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती मिलती है। तरी सुद्धा पक्ष्यांच्या या गूढ सवयी संबंधीची कित्येक रहस्य अद्याप उकललेली नाहीत। हमें भले ही इन्फॉर्मेशन मिलती हो इनके बारे में, लेकिन फिर भी आज भी ये जो बर्ड्स की जो हैबिट है ऑफ माइग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनके बारे में बहुत सारे ऐसे अभी भी सीक्रेट्स हैं जो हमें पता नहीं चले हैं, उकल ले ली नाहीत, मतलब हमें अभी तक पता नहीं चले हैं। पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार पाडता येतील। अब बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं उसके बहुत सारे रीजन्स हम बता सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स हमारे लिए पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिमालया सारख्या पर्वतरांगामध्ये राहणारे पक्षी थंडीत खाली दरीत अथवा सखल भागात उतरतात आणि उन्हाळ्यात परत वर सरकतात। तो मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट रीजन क्या है कि हिमालय सारख्या पर्वतारांगा मध्ये, मतलब हिमालय जैसे माउंटेन रेंजेस में रहने वाले जो बर्ड्स है, जब माउंटेन्स पे बहुत ठंड होती है यानी स्नोफॉल वगैरह होती है, तो उस टाइम पे ये बर्ड्स जो है नीचे वैलीज में आ जाते हैं या फिर प्लेन भाग में आ जाते हैं, सखल भागात यानी कि प्लेन्स में, वैलीज में, वहां पर उतर जाते हैं, आ जाते हैं उड़ के। और जब वापस, जब गर्मी का सीजन चालू होता है यहाँ पे नीचे, तो वो वापस से उड़कर ऊपर चले जाते हैं। त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटर मीटरचाच असतो। अब ये जो बर्ड्स है हिमालय वाले, जो ऊपर से नीचे आते हैं ठंडी में और गर्मी में वापस नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बर्ड्स का, तो ये तो कुछ किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है। अनेकदा दुष्काळ, महापूर अथवा बर्फवृष्टीमुळे एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे झाले कि पक्षी तो प्रांत सोडून तात्पुरते दुसरीकडे जातात। कई बार क्या होता है कि दुष्काळ, दुष्काळ मतलब सूखा पड़ना, महापूर यानी कि फ्लड्स होना, अथवा बर्फ वृष्टि मुळे या फिर बर्फबारी होना, इन सब के वजह से क्या होता है कि किसी एक एरिया में बर्ड्स को खाना नहीं मिलता है, अन्न मिलाने से झाले, मिलाने से मिलेना से झाले, मतलब खाना नहीं मिल पाता है उनको,
तो पक्षी तो प्रांत छोड़ून, तो पक्षी जब उनको खाना नहीं मिलता है तो वो प्रांत छोड़ देता है, वो एरिया छोड़ देता है और इमिडिएटली वो दूसरे एरिया की तरफ चला जाता है जहां पर उसे फूड वगैरह मिले। मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष हीच स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे। अगर हम देखा जाए तो अगर हम माइग्रेशन के बारे में, बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो एक मेन रीज़न तो यही है कि क्योंकि उनको खाने पीने की कमी हो जाती है एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी रीज़न की वजह से, इसीलिए खाना ढूंढने के लिए वो दूसरे जगह पे स्थलांतर करते हैं, माइग्रेट करते हैं। पक्षियांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते, लेकिन बर्ड्स को थंडी की या हवा की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती। ठंडी हवा की वजह से वो नहीं अपना प्लेस चेंज करते हैं। अन्नाचा पुरेसा पुरवठा असेल तर पक्षी बर्फाळ प्रांतातही व्यवस्थित जगू शकतात। अगर उनको इनफ खाने पीने के लिए मिले तो बर्फ वाली जगह पे भी पक्षी जो है अच्छे तरीके से रह सकते हैं। एरवी 2 ते 5 हजार मीटर ऊंची पर्यंत सापडणारे हिमकाक पक्षी, मतलब करीब करीब 2 से 5 हजार मीटर ऊंचे पर पाए जाने वाले हिमकाक पक्षी, हिमकाक पक्षी मतलब व्हाइट क्रो, हिमालयन क्रो, हिमकाक, हिमालयन क्रो, ये जो है एवरेस्ट चढ़ने वाले, एवरेस्ट क्या है, हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ओके, तो एवरेस्ट चढ़ने वाले जो माउंटेनियर्स है, गिर्यारोहकांच्या, मतलब जो माउंटेनियर्स है, उनके पीछे पीछे 8.5 हजार मीटर, मतलब करीब करीब 27 हजार फुट ऊपर चढ़ने की मेंशन है कि ये बर्ड्स जो है इन माउंटेनियर्स के पीछे पीछे 27 हजार फुट ऊंचा तक वो लोग गए हैं। अब वहां पर इतनी ठंड होने के बावजूद बर्ड्स उनके पीछे पीछे वहां तक चले गए हैं, इससे क्या पता चलता है, क्योंकि बिकॉज माउंटेनियर्स वहां पर है तो वो खाना पीना अपना कर रहे हैं, तो बर्ड्स को भी मिल रहा था, तो बर्ड्स को ठंडी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको खाने पीने को मिले तो ठंडी वाली जगह भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकती है, दे कैन एडजस्ट देयर। एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना बर्फ, थंडी व हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असलेल्या दिसत नाही। मतलब इन रीजन्स, इन रीजन्स में जो बर्ड्स पहुंचते हैं तो उनको बर्फ, ठंडी या हवा की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वगैरह, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है जिससे उनको तकलीफ हो रही है बर्ड्स को, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात और ठंडी के सीजन में कहते हैं कि पक्षी जो है दक्षिण की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, ते थंडीमुळे नाही तर बर्फ पडून अन्न शोधणे कठिन झाल्यामुळे। और वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ठंडी है वहां पर, वो इसलिए आते हैं क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से वहां पर अन्न नहीं मिलता है, ग्रेन्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अनेक पक्षी असे आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी अन्न अद्यापही भरपूर उपलब्ध असतानाच आपल्या दक्षिण यात्रेला सुरुवात करतात। कुछ कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं कि वो बर्फ गिरने से पहले ही अन्न भरपूर होने के बावजूद अपने दक्षिण यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यानी दो रीजन यहाँ पे बताए गए हैं। ऊपर अभी हमने देखा, यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि एक जगह पे कहा है मे बी वहां पर ठंडी गिरती होगी, बर्फ गिर रहा है, इसलिए पक्षी नीचे आ गए। फिर बाद में ये बता दिया कि अगर उनको अन्न मिलेगा तो ठंडी वाले रीजन में रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ पक्षी ऐसे हैं कि अन्न भरपूर होने के बावजूद भी बर्फ गिरने के थोड़े समय पहले ही ये पक्षी जो है अपने साउथ की तरफ माइग्रेशन जो है चालू कर देते हैं। हे पक्षी स्थलांतरासाठी अन्नाच्या तुटवड्याची वाट पाहत बसत नाही। मतलब साउथ की, साउथ के लिए माइग्रेन करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए ये पक्षी इस बात के लिए वेट नहीं करते कि अगर अन्न की कमी होगी तो हम निकलेंगे। वो इस बात के लिए वेट ही नहीं करते कि कब अन्न की कमी होना शुरू होगी तब हम निकले। आतिल अस्वस्थता वाढते, ये पक्षी सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां उनको रेस्टलेसनेस हो जाता है, दे बिकम क्यूरियस, दे बिकम रेस्टलेस। एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येतात आणि ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात। तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज के बहुत सारे बर्ड्स जो है एक साथ आते हैं और एक फिक्स्ड ऑस्पिशियस डे, मतलब ठराविक, ठराविक मतलब एक फिक्स्ड डेट, मुहूर्त, मुहूर्त मतलब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ऑस्पिशियस टाइम एंड डे निकालते हैं कि एक ये दिन अच्छा है, उस दिन हम ये काम करेंगे। तो एक फिक्स्ड डेट, एक फिक्स्ड ऑस्पिशियस डे के दिन वो लोग ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं।
या पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतराच्या आता अन्नाशी संबंध उरला नसून ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी असल्यासारख्या त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला आहे। अब ऐसे पक्षियों के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस में अन्न नहीं मिल रहा है, ये कोई रीजन उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनको तो बस एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फ्लाइट लेनी है, मतलब उड़ के जाना है उस पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एज इफ ये उनके लिए एक रिलीजियस रिचुअल है, उनका एक रिलीजियस रिचुअल है वो मानकर वो लोग ये उड़ान भरते हैं। तो ये जैसे मानो उनके जीवन का एक भाग ही हो गया है। हम जैसे कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, रिचुअल फॉलो करते हैं, रोज हम उठकर सुबह पूजा पाठ करते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, तो ये एक हमारा रिलीजियस रिचुअल है, तो ये एक भाग हो गया है हमारा। तो वैसे ही बर्ड्स के लिए भी एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ान भरना एक उनका भी एक जीवन का एक हिस्सा हो गया है। परतीच्या प्रवासेचे ही तसेच, और रिटर्न जर्नी का भी वो बिल्कुल सेम ही है। परतीच्या मतलब रिटर्न, प्रवासेची ही प्रवास्याचे ही मतलब की जर्नी, तसेच मतलब वो भी बिल्कुल वैसा ही है। वो लोग भी रिटर्न जर्नी के लिए भी वो लोग फिक्स करते हैं कौन से डे पे कौन से टाइम पे सभी पक्षी एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ वो लोग उड़ान भरते हैं। वसंत आगमाला सगळेच पक्षी अनामिक ओढीने आपल्या उतरेतल्या घरांकडे निघतात। और वसंत आगमनात मतलब जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस वक्त सभी पक्षी जो है अनामिक ओढीने आपल्या उतरेतल्या घरांकडे निघतात। अनामिक ओढीने, ओढीने मतलब एक टाइप का आकर्षण होता है कि वापस से अपने प्लेस पे जाना है, जहां से वो आए हैं वापस से वहीं जाना है। अब उनको हुरहुर हो गई है कि अब हमें वापस हमारे घर लौटना है, तो वो उत्तर की तरफ वापस से अपने घर की तरफ सभी पक्षी निकल जाते हैं। तो अनामिक ओढ़ी आप बोल सकते हो रेस्टलेसनेस गोइंग फॉर रेस्टलेसनेस टू गो बैक होम। तो अब मैं सीधे चलती हूं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वाक् प्रचार व त्यांचे अर्थ। अब पहला है वाक् प्रचार, यानी कि ये फ्रेजेस है जिनमें आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो। वाक् प्रचार किस तरीके से आता है कि आपको ऑलरेडी सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको वो फ्रेज चेंज करने हैं सेम मीनिंग वाले। एग्जाम्पल्स आएंगे जब क्वेश्चन आंसर्स में, तब मैं आपको बता दूंगी। नज़र टाकने का मतलब है निरीक्षण करने, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, नज़र टाकने निरीक्षण करने। तो अगर सेंटेंस में नज़र टाकने आ गया है तो आपको उसको उसके जगह पे निरीक्षण करने डालना पड़ेगा। स्तिमित करने आश्चर्यचकित करने, गायब होने नाही से होने, मार्ग काढणे शोध घेणे, अपेक्षा असणे इच्छा असणे, न उकळणे न कळणे न माहीत होणे, नोंद असणे टिपण असणे माहिती ठेवणे, प्रयाण करणे निघून जाणे। अब ये आकृती बंद है। हिवाळ्याच्या सुरुवातीला या खंडातून भारतात पक्षी येतात। कहाँ से आते हैं हिवाळ्या के शुरुआत पे? युरोप आणि उत्तर आशिया। भारतात येणारे पक्षी जर्मनी देशातून, सायबेरिया देशातून। जर्मनी देशातून कौन आता है? श्वेत बलाक। और सायबेरिया देशातून कौन आता है? बदकांचिया काही जाती। इसके बारे में मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तब बताया था मैंने। युरोपातील पक्षी पुढील प्राण्यांप्रमाणे हिवाळी झोप काढतात। कौन से पक्षी है जो हिवाळी में यानी विंटर में सो जाते हैं? बेडूक, खवलेकरी, काही सस्तन प्राणी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकटी पूर्ण करा, मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, आंसर्स यहाँ पे है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बलाकांचे भारतात स्थलांतर होणारे देश। बलाक जो है कौन से देश से भारत आते हैं? जर्मनी और साइबेरिया। सेकंड क्वेश्चन है, हिवाळ्यात भारतातील सरोवरे या पक्षियांनी झाकलेली जातात, कि थंडी के सीजन में भारत में जो रिवर्स हैं वो इन पक्षियों से पूरी ढक जाती है, वो वेगवेगळ्या जातींच्या बदकांनी। तीसरा क्वेश्चन है, इथले पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात। कहाँ के पक्षी जो है विंटर सीजन में नहीं दिखाई देते हैं? यूरोप मधले। चौथा है, आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी येथे दिसतात। हमारे कॉन्टिनेंट से गायब होने वाले पक्षी कहाँ दिखते हैं? दूसरे खंडात, दूसरे खंड में। अब ये वापस है, कोष्टके पूर्ण करा। कालिदासच्या प्राचीन, कालिदासच्या वांग्मयात उल्लेख, किसका उल्लेख है? बलाकांशिया स्थलांतरा विषय। और प्राचीन वांग्मय में किसका उल्लेख है? हंस पक्षी पावसाळ्यात दिसत नाही, ये भी जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था। उतार्यात आलेले पक्षियांची नावे, बदक,
बलाक, श्वेत बलाक, हंस। ओके, अब जो हमारे क्वेश्चन है, पुढ़िल अर्थाचे शब्द उतार्यातुन शोधुन लिहा। अभी वर्ड जो है बगड़ा दिया हुआ है, अभी हमारे पैसेज में बगड़ा के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? बलाक। नेक्स्ट है पांढरा, पांढरा के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है हमारे लेसन में? श्वेत। नेक्स्ट है तड़े, तड़े मीन्स सरोवर, सरोवर वर्ड हमारे लेसन में यूज हुआ है। हिम, हिम मीन्स बर्फ, बर्फ वर्ड हमारे लेसन में यूज हुआ है। अभी नेक्स्ट है हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं पैसेज में से ही ढूंढ के। अंति वर्ड आपको दिया है, इसका ऑपोजिट वर्ड पैसेज में मिलेगा, चैप्टर में मिलेगा, जिसका ऑपोजिट है आरंभी। अर्वाचीन प्राचीन, सुलट उलट, शेवटाला शुरुआतीला। स्थलांतर, अब ये जो है संधि सोड़वा, संधि करना है इसका, संधि हमें बनानी है। स्थलांतर, स्थल और अंतर। वांग्मय, वांग्मय। चौथा क्वेश्चन है लिंग ओळखा, हंस पुल्लिंग, बदक नपुसकलिंग, कपार स्त्रीलिंग, प्रवास पुल्लिंग। अब जो ये आंसर है, इसका क्वेश्चन एक्चुअली ये है, जर्मनी व साइबेरिया हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। यानी कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है जिसका आंसर हमें जर्मनी या साइबेरिया ये होगा। तो क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाएंगे, भारतात श्वेत बलाक व बदकांच्या काही जाती अनुक्रमे कोणत्या देशातून येतात। अनुक्रमे कोणत्या देशातून येतात मतलब पहले श्वेत बलाक और फिर बाद में बदक। तो श्वेत बलाक आते हैं जर्मनी से और बदक आते हैं साइबेरिया से। अब ये स्वमत है, हिवाळा खंड व पक्ष्यांचे स्थलांतर यांच्या संबंध तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। हिवाळा मतलब विंटर सीजन, खंड मतलब कॉन्टिनेंट व पक्ष्यांचे स्थलांतर और माइग्रेशन, इनका क्या संबंध है ये हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। भारतात हिवाळ्याच्या सुरुवातीला कोणताही तलाव वेगवेगळ्या जातींच्या बदकांनी पूर्ण भरतो। भारत में ठंडी के सीजन में शुरुआत में कोई भी तालाब आप देखोगे, रिवर तालाब कुछ भी देखोगे, तो वो अलग अलग टाइप के बदकों से भरा हुआ रहता है। हे पक्षी यूरोप आणि उत्तर आशिया खंडातून येथे स्थलांतरित होत असतात। अब ये जो पक्षी है ये यूरोप और नॉर्थ एशिया कॉन्टिनेंट से यहाँ वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं। श्वेत बलाक जर्मनीतून व बदकांच्या काही जाती साइबेरियातून भारतात येतात। श्वेत बलाक जो है जर्मनी से आते हैं और बदक के कुछ जाति जो है साइबेरिया से आते हैं। या उलट, यूरोपात हिवाळ्यामध्ये पक्षी कपारीमध्ये हिवाळी झोप काढत असतात, और इसके उल्टे यूरोप में ठंडी के सीजन में कुछ पक्षी जो है दो पत्थरों के बीच में एकदम लॉन्ग स्लीप जो है निकालते हैं। मतलब विंटर सीजन में काफी सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन सिर्फ सोते ही रहते हैं, लॉन्ग स्लीप। एका खंडातून दिसेनासे झालेले पक्षी दुसऱ्या खंडात आढळतात। तो एक कॉन्टिनेंट में जो पक्षी दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो गए हैं, वो पक्षी जो है हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, दिखाई देते हैं। अशा प्रकारे हिवाळा खंड व पक्ष्यांचे स्थलांतर यांचा संबंध अतूट आहे। इसी तरीके से विंटर सीजन, इसी वजह से कहा गया है कि विंटर सीजन कॉन्टिनेंट्स और बर्ड्स का माइग्रेशन जो है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका टेक्स्चुअल ही है, पुढ़िल उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। अभी क्या है, पहला है पक्षी स्थलांतराच्या अभ्यासाच्या वाळे अडकवण्याच्या पद्धतीचा घटना क्रमांक लिहा। मतलब जो बर्ड्स के पैरों पे जो रिंग्स बांधते हैं ना एल्युमिनियम का, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना एज अ सिंबल अपना नाम और पता वगैरह सब लिखते हैं, तो उनका एक प्रोसीजर है स्टार्ट टू एंड, वो क्या है? पहला है विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात ॲल्युमिनियमचे बनवलेले वाळे अडकवणे। मतलब वो लोग एक पर्टिक्युलर रीजन में बहुत सारे पक्षियों को पकड़ के उनके पैरों पर ये ॲल्युमिनियम के रिंग्स बांधते हैं। वाळ्यावर ज्या संशोधन संस्थेने ते लावले त्या संस्थेचे नाव आणि खुणेचा क्रमांक लिहिणे। तो वो जो रिंग होती है उसके ऊपर जिस संस्था ने उस रिंग को बांधा है बर्ड के ऊपर, वो संस्था जो है वो उस रिंग के ऊपर अपना नाम और अपना पता, एक आइडेंटिटी नंबर जो है उसमें लिखते हैं। कोणत्या क्रमांकाच्या वाळे कोणत्या पक्षाला कुठे आणि केव्हा लावले याची नोंद ठेवणे, और वो कौन से नंबर का रिंग कौन से पक्षी को कहाँ पर लगाया गया है, कब लगाया गया है, इस बात का नोट वो लोग रखते हैं अपने पास। वाळे अडकवलेले पक्षी पुन्हा मोकळे सोडणे, और जिन बर्ड्स के पैरों में ये रिंग्स लगाए हैं उनको वापस से खुला
छोड़ देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोष्टक पूर्ण करा। तो केरलात वाळे लावलेले परीट पक्षी येथे सापडले। केरल में जो वाळे लगाए गए थे वो पक्षी कहाँ मिले गए हैं? काबुल, अफगानिस्तान, वायव्य पाकिस्तान। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आ जाएगा कृति में। अब ये जो है आपका कारणे दिया मतलब गिव रीजन्स वो वाला है, आधा सेंटेंस दिया हुआ है उसका आपको आधा रीजन आंसर देना है। फक्त ॲल्युमिनियम चेट्स वाळे पक्ष्यांच्या पायात अडकवतात, कारण रीजन बताना है। ते हलके असतात व पक्ष्यांना त्यांचे ओझे होत नाही। दूसरा है वाळ्यावर संस्थेचे नाव टाकलेले असते, क्यों नाम लिखावा रहता है संस्थे का? कारण वाळे घातलेला पक्षी जिवंत किंवा मृत ज्याला सापडेल त्याने त्या संस्थेला कळवावे ही अपेक्षा असते, क्योंकि वाळे डाला हुआ पक्षी जिसको भी मिलेगा जिंदा या मुर्दा वो उस संस्था को इन्फॉर्म करे, ऐसा सभी लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगला जो है हमारा क्वेश्चन चोपटी पूर्ण करा। चोपटी पूर्ण करा में सबसे पहला क्वेश्चन है आधुनिक काळात पक्ष्यांच्या स्थलांतराची माहिती देणाऱ्या गोष्टी। अभी आधुनिक काळात मतलब कि ये प्रेजेंट एरा में पक्षियों के स्थलांतरों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली कौन सी बातें हैं? विमाने और रडार यंत्रणा, यानी कि एरोप्लेन्स और रडार यंत्र। अवघड प्रश्नातून याला मार्ग काढवावेच लागतात। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इसको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। किसे निकालना पड़ेगा? विज्ञानाला। अद्याप उलगडलेली नाहीत ती, अभी तक जो हमें पता नहीं चली है जो बात, वो पक्ष्यांच्या गूढ सवयींची कित्येक रहस्य। जो ये हैबिट्स है बर्ड्स की उसके बहुत सारे रहस्य जो है हमें अभी तक पता नहीं चले हैं। नेक्स्ट केरलातला रानपीठ येथे सापडला। केरल का जो रानपीठ है यानी फॉरेस्ट वैगटेल वो कहाँ मिला है? ब्रह्मदेशात। जर्मनीतील वाळे घातलेला बलाक येथे सापडला, बिकानेर मध्ये। उतार्यात आलेले पक्षी परीट, रानपरीट, बलाक। प्रमाणे कृती करा। वाळे अडकवलेले पक्षी मोकळे सोडले जातात। अधोरेखित शब्दांच्या विरुद्धार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वाळे अडकवलेले पक्षी मोकळे सोडले जातात, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है मोकळे, इसका हमें ऑपोजिट वर्ड यूज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हमें इसका ऑपोजिट वर्ड यूज करना है और सेंटेंस का मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे होगा, वाळे अडकवलेले पक्षी बंदिस्त केले जात नाही। मोकळे के जगह पे आ जाएगा बंदिस्त केले जात नाही। इसके आंसर्स भी मैं आपको दिखा दूंगी, पहले आगे देख लेते हैं। वाळ्यावर खुणेचा क्रमांक असतो, अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून लिहा। वाळ्यावर खुणेचा क्रमांक असतो, इसका हमें वचन बदलना है। तो वचन होएगा वाळ्यांवर, यहाँ पे ऊपर डॉट आ जाएगा एक या के ऊपर, खुणांचे, खुणांचे णा के ऊपर एक डॉट आ जाएगा, णे नहीं होगा, आणि क्रमांक असतात। इसका भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगी। एक रानपीठ ब्रह्मदेशात सापडला, अधोरेखित शब्दांची विभक्ती ओळखा। ब्रह्मदेशात इसकी विभक्ति तो है लास्ट में, तो इसीलिए ये सप्तमी है। एक बलाक बिकानेर मध्ये सापडला, अधोरेखित शब्दातील अव्यय व प्रकार ओळखा। अब यहाँ पे जो है अव्यय मध्ये है, बिकानेर मध्ये, तो मध्ये आ गया है आपका, और मध्य जो है क्योंकि ये जोड़ रहा है इसीलिए शब्द योगी अव्यय है। उतार्यातील आलेले विरुद्ध शब्दांची जोड़ी शोधून लिहा। इसी पैसेज में आए हुए एक ऑपोजिट वर्ड का पैर हमें ढूंढ के लिखना है, वो है मृत जीवन। योग्य अर्थ लिहा मतलब राइट द करेक्ट ऑप्शन मीनिंग। नोंद असणे, नोंद असणे का मतलब क्या होता है? लिखित माहिती असणे यानी कि रिटर्न में इंफॉर्मेशन होती है। उकललेली नसणे मतलब उकललेली नसले मीन्स उलगडलेली नसणे, उलगडलेली नसणे मतलब जब ही हमें पता नहीं होता है जिस बात के बारे में। रहस्य, रहस्य मतलब क्या होता है? गुपित। और मौल्यवान, मौल्यवान मतलब अमूल्य, वैल्यूएबल। इसके सब आंसर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग्स वगैरह देख लीजिए। वाळे अडकवलेले पक्षी बंदिस्त केले जात नाही, वाळ्यांवर कोणांचे क्रमांक असतात, ब्रह्मदेशात में त है सप्तमी है, बिकानेर मध्य में मध्य शब्द योगी अव्यय, मृत जीवंत, नोंद असणे, लिखित माहिती असणे, उकललेली नसणे, उलगडलेली नसणे, रहस्य, गुपित, मौल्यवान, अमूल्य। तुम्हाला पक्षी मित्र बनायला आवडेल काय? तुमचे मत सहकारण लिहा। तुमको बर्ड का फ्रेंड बनने को अच्छा लगेगा क्या? ये इसका रीजन विथ एक्सप्लेनेशन दो। भारतीय भूमि ही निसर्गाची खाण आहे, मतलब कहते हैं कि भारत की जो भूमि है, इंडियन अर्थ, लैंड ऑफ इंडिया, इज एक्चुअली अ माइन ऑफ नेचुरल वेल्थ। भारतीय जंगलात जसे वन्य पशु आहेत तसेच विविध रंगी असंख्य पक्षीगण आहेत।
जैसे भारत के जंगल में एनिमल्स है, वैसे ही अलग अलग टाइप के असंख्य इन्यूमरेबल बर्ड्स भी यहाँ पे भारत में हैं। या पक्षियांचे मला खूप आकर्षण आहे, इन बर्ड्स का मुझे बहुत अट्रैक्शन है, बर्ड्स को देखकर मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। ते जेव्हा गगनात उडतात तेव्हा छोटी छोटी विमाने जणू विहरतात असा मला भास होतो, और जब ये बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं तब मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे एरोप्लेन्स जो है घूम रहे हैं आसमान में, मुझे ऐसा लगता है। या पक्षियांना व पक्षी उभयारण्यांना जपले पाहिजे, ये पक्षियों को इन पक्षियों को सेंचुरी में संभाल के रखने चाहिए। म्हणून मला पक्षी मित्र व्हायला नक्कीच आवडेल, इसीलिए मुझे एक बर्ड फ्रेंड बनने को जरूर अच्छा लगेगा। उन्हाळ्यात पक्षी पाण्यासाठी कसावीस होतात, जैसे गर्मी का सीजन आता है तो पानी के लिए पक्षी एकदम कैसे तो भी हो जाते हैं, उनको पानी चाहिए रहता है। तेव्हा त्यांनी सार्वजनिक जलाशय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पक्षी मित्रांची आहे, तो उस वक्त उनको एक ऐसा वॉटर रिसोर्स जो कि सार्वजनिक है, सभी बर्ड्स वहां पर बैठकर पानी पी सकते हैं, ये जिम्मेदारी एक पक्षी मित्र की होगी। आपण अशी जशी आपल्या जवळच्या माणसांची आपुलकीने काळजी घेतो तशीच सर्व पक्ष्यांची काळजी घेणे व त्यांना अभय देणे हे पक्षी मित्र म्हणून माझे कर्तव्य राहील। तो जैसे हम हमारे नियर वंस डियर वंस का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमको बर्ड्स का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एक एज अ पक्षी मित्र बनकर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सूचना अनुसार कृति करा। तो पहली सूचना है पक्षियांच्या स्थलांतराची वैशिष्ट्ये लिहा, बर्ड्स क्यों माइग्रेट होते हैं। तो पहला है थंडित खाली दरीत किंवा सखल भागात उतरतात, उन्हाळ्यात पुन्हा वर सरकतात, एकूण काही किलोमीटरचा प्रवास करतात, अन्न मिळेनासे झाले की प्रांत सोडून जातात। ये कुछ स्पेशालिटीज है बर्ड्स के माइग्रेशन के। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, स्थलांतर करणाऱ्या वेगवेगळ्या जातींतील पक्ष्यांचे साम्य घटक लिहा, जो माइग्रेट करते हैं उन अलग अलग जातियों के पक्षी के बीच में क्या कॉमन बातें हैं। सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन उचल खाते, त्यांना दक्षिणेची ओढ लागते, मनातील अस्वस्थता वाढते। मतलब सन जो है साउथ की तरफ जब झुकने लग जाता है तब उनके मन में जैसे मानो रेस्टलेस हो जाता है उनका मन, और उनको जाना रहता है फिर साउथ की तरफ, और उनकी जो मन का रेस्टलेसनेस है वो एकदम बढ़ जाता है। एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येऊन ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात, एक ही जाती के बहुत सारे पक्षी एक ही साथ एक फिक्स्ड डेट पे ऑस्पिशियस डे पे निकलते हैं। ठराविक ऋतु ठराविक दिशेने झेप घेणे हे याच्या जीवनाचा भाग झाला आहे। फिक्स्ड सीजन में फिक्स्ड डायरेक्शन में उड़ना ये उनके जीवन का मानो एक हिस्सा हो गया है। वसंताला की सगळे पक्षी अनामिक ओढीने उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात, और जैसे ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है वैसे ही सभी बर्ड्स एक मानो जैसे एक अट्रैक्शन हो गया है कि वापस से अपने घर जाना है, तो वो नॉर्थ की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, या कारणांमुळे पक्षी तात्पुरते दूसरीकडे जातात, किन किन रीजन्स की वजह से पक्षी दूसरे जगह जाते हैं। पहला है दुष्काल, दूसरा महापूर, बर्फ वृष्टि एंड अन्नाचा तुटवड़ा। जो क्वेश्चन है वो है फरक स्पष्ट करा, दक्षिणेतली हवामान आणि उत्तरेतील हवामान क्या फरक है। दक्षिण में बर्फ वृष्टि नसते, मतलब आइस नहीं होता है फॉल, उत्तर में बर्फ वृष्टि असते, वहां पे स्नोफॉल होता है। दक्षिण में ऊबदार हवा गर्म हवा रहती है, उत्तर में ठंडी हवा रहती है। सूर्य दर्शन होता है वहां पर महापूर होता है, फ्लड्स होता है उत्तर में, और दक्षिण में सूर्य दर्शन होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चोपटी पूर्ण करा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पक्षियांच्या स्थलांतरांची मूळ प्रेरणा, सबसे मेन इंस्पिरेशन क्या है उनका माइग्रेशन का। अन्नाचे दुर्भिक्ष, क्योंकि ग्रेन्स की कमी हो जाती है इसीलिए वो लोग जाते हैं। गिर्यारोहकांच्या मागे जाणारे पक्षी, माउंटेनियर्स के पीछे पीछे जाने वाला पक्षी कौन सा पक्षी है, हिमकाक। अनेक पक्षी बर्फ पड़ण्याच्या आधी या यात्रेला शुरुआत करतात, बहुत सारे पक्षी बर्फ गिरने से पहले ही इस तरफ की यात्रा की शुरुआत करते हैं, दक्षिण यात्रा। उतार्यात आलेल्या हिमालयातील शिखराचे नाव, मतलब इस पैसेज में आया हुआ एक हिमालयन माउंटेन पीक एवरेस्ट। खूप उंचीवर पक्ष्यांना या तीन गोष्टींचा त्रास होत नाही, बर्फ थंडी हवेची कमी घनता, मतलब ऊंचे एकदम ऊंचाई पर बर्ड्स को इन चीजों की कमी नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारणे लिहा, कारण लिखना है हमें। क्वेश्चन है हमारा, हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात कारण बर्फ पडून अन्न शोधणे कठिन होते, क्योंकि बर्फ गिर जाती है और ग्रेन्स ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो लोग दक्षिण की तरफ स्थलांतर करते हैं। अब हमारे ग्रामर क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन है,
की सूचना प्रमाणे कृती करा. पहला क्वेश्चन है पक्षियांना भविष्याची चाहूल लागते, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. या अर्थाचे वाक्य शोधा, इस अर्थ का हमें वाक्य ढूंढना है पैसेज में से. तो उसका आंसर है सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते. क्वेश्चन है हमारा पक्षियांना भविष्याची चाहूल लागते या अर्थाचे वाक्य शोधा, इसका आंसर है सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते. सेकंड क्वेश्चन है त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटरचाच असतो. अधोरेखित शब्दांचा प्रतिशब्द वापरून वाक्य लिहा. प्रवास, प्रवास का प्रतिशब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है सफर, और वो इसका प्रवास का मीनिंगफुल वर्ड इस जगह पे यूज करके वही सेंटेंस वापस लिखना है. त्यांची एकूण, तो त्यांचा के जगह पे त्यांची एकूण सफर काही किलोमीटरचीच असते. हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात, वाक्य नकारार्थी करा. इस वाक्य को हमें नकारार्थी करना है, यानी कि नेगेटिव बनाना है. हिवाळ्यात पक्षी उत्तरेकडे स्थलांतर करीत नाहीत. तो जो सेंटेंस था हमें हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात, तो हिवाळ्यात पक्षी उत्तरेकडे स्थलांतर करीत नाहीत. अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विभक्ति बताना है. स्थलांतराच्या अन्नाशी संबंध उरला नसल्यामुळे ठराविक ऋतु ठराविक दिशेने झेप घेतात. तो यहाँ पे जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए है इनके हमें बताने हैं विभक्ति. स्थलांतरा चा, चा जो है यहाँ पे षष्ठी हो गया. अन्नाशी, शी जो है तृतीया. ऋतुत, तो सप्तमी. दिशे ने आ गया है तृतीया. अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है संधि सोड़वा, तो हमारा वर्ड है गिरियारोहक. गिरियारोहक में गिरी और आरोहक. वसंतागम, वसंत प्लस आगम. मूल प्रेरणा, मूल प्रेरणा में विशेषण है मूल. अनेक पक्षी में विशेषण है अनेक. अनामिक ओढ़ में विशेषण है अनामिक. धार्मिक विधि में विशेषण है धार्मिक. अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है पुढ़िल शब्दांचे प्रतिशब्द शोधा, मतलब इसका मीनिंगफुल वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढ के निकालना है. बर्फ का हिम, कावड़ा काक, रवि सूर्य, डोंगर पर्वत. स्वमत, पक्षी निरीक्षणातून पक्ष्यांच्या जीवन पद्धती संबंधी तुमची मते सविस्तर लिहा. पक्ष्यांविषयी आस्था व प्रेम असले की त्यांचे निरीक्षण आवश्यक ठरते. पक्षी निरीक्षणामधून पक्ष्यांबद्दल अधिक माहिती मिळतेच, पण पक्षी जगताविषयी कुतूहलही निर्माण होते. पक्ष्यांच्या आकार, रंग, रूप, शारीरिक ठेवण, पिसारा व त्यांच्या सवयी जाणून घ्यायला हव्यात. पाळीव पक्षी उपयोगी असतात म्हणून त्यांची जास्त काळजी घेतली जाते, परंतु वन्य पक्ष्यांच्या निरीक्षणाने पक्षी धन समजते. कॅमेरा, दुर्बीण व अन्य यंत्रामार्गाने पक्ष्यांचे जवळून निरीक्षण करता येते, किंवा वन सहलीच्या उद्देशाने त्यांनी दैनंदिन जवळून त्यांची दैनंदिनी जवळून पाहता येते. प्रत्येक पक्ष्याची विशिष्ट जीवन पद्धती जाणून घेता येते. तुमच्या मते मानवी जीवन व पक्षी जीवन यांच्यामधील महत्वाचे साधर्म सोदाहरण लिहा. आपल्या भूमीवरील पशुपक्षी ही अनमोल संपत्ती आहे. मनुष्य हा देखील निसर्गातील एक प्राणी आहे. पक्ष म्हणजे पंख, यावरून उडणाऱ्या सजीवाला पक्षी म्हणतात. हा एक फरक सोडला तर पक्षी जीवन व मानवी जीवन यात खूप साम्य आढळते. भूक व तहान ही आदिम प्रेरणा दोहोंमध्ये आहे. श्वासांवर दोघेही जगतात. वात्सल्य व जगण्याची उर्मी दोघांमध्ये सारखीच आहे. दोघांनाही निवारा आवश्यक आहे. मानवाप्रमाणे पक्ष्यांची भाषा प्रगत नाही, परंतु ध्वनींचा अर्थपूर्ण वापर दोघांमध्येही होतो. सजीवांचे बरेचसे गुणधर्म मानवी जीवन व पक्षी जीवन यात साधारण आहेत. पक्षी जाय दिगंतरा ही उक्ती पाठाच्या आधारे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. पक्षी जाय दिगंतरा, बाळकांसी आणि चारा हा संत जनाबाईंच्या अभंगातील चरण आहे. पक्षी दिगंतात जातो या उक्तीप्रमाणे प्रस्तुत पाठात पक्षी स्थलांतर करतात. त्यांच्या वेळा ठरलेल्या असतात. स्थलांतर करण्याचे ऋतूही ठरलेले असतात. अन्नाचे दुर्भिक्ष ही पक्ष्यांच्या स्थलांतराची मूळ स्फूर्ती असते. हिवाळ्यात ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येतात. ही त्यांची दक्षिण यात्रा म्हणजे दिगंताचा दीर्घ प्रवासाचा असतो. प्रस्तुत पाठात त्यास धार्मिक विधी असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे चाऱ्याच्या शोधात स्थलांतर करणारे पक्षी हे पक्षी जाय दिगंतरा या उक्तीप्रमाणे वागतात. तो इसी के साथ ये मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.